नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल की वाई टेक्निकल यश अग्रवाल में। आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने जाऊँगा एक ऐसी एप्लीकेशन के बारे में, अगर आपका फ़ोन हैंग होता है ना तो आपका फ़ोन हैंग होना बिल्कुल बंद कर देगा। तो स्टार्टिंग करते हैं, बिल्कुल वीडियो शुरुआत करते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से। आपका फ़ोन क्यों हैंग होता है? क्योंकि उसके अंदर रैम पूरी फुल हो जाती है। रैम क्यों फुल होती है? क्योंकि आप उसमें काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशंस डाल देते हैं, जैसे फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, और कैलकुलेटर्स आप कई बार आपको चाहिए होता है एडिशनल फीचर वाला कैलकुलेटर, तो आप वो डाल लेते हो। और भी यार काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशन होती है, जैसे कि कोई ऑनलाइन शॉपिंग की एप्लीकेशन हो गई, तो इन सारी एप्लीकेशन की वजह से आपका फ़ोन हैंग होना स्टार्ट हो जाता है। अब दोस्तों, अगर आपको अपना फ़ोन हैंग होना बंद करता है तो आपको इन सारे ऐप को डिलीट करना पड़ता है। पर आज मैं आपको एक ऐसी एप्लीकेशन बताने जा रहा हूँ जिसके अंदर आपको कोई भी एप्लीकेशन डिलीट नहीं करनी, उल्टा आप अपने मोबाइल में इतना स्पेस में हो जितने आपके फ़ोन में एप्लीकेशन होगी। अगर आपके मोबाइल में काफ़ी कम रैम है, काफ़ी कम आपके फ़ोन में स्टोरेज मिलती है आपको, तो आप उस स्टोरेज के अंदर भी अपने मोबाइल में 50 से 60 एप्लीकेशन डाल सकते हैं। आज की वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगी, तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखते रहिएगा। और अगर आपको अब तक वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो को। दोस्तों, इस एप्लीकेशन का नाम है स्मार्ट टूल बॉक्स। दोस्तों, इस स्मार्ट टूल बॉक्स एप्लीकेशन में आपको क्या चीज़ें फंक्शन देखने को मिल जाते हैं, चलिए मैं आपको मोबाइल स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ, आप उधर से अच्छे से पता लगा पाएंगे। चलिए जाते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर और आपको मिल जाएगा कि इसमें आपको क्या क्या फंक्शन देखने को मिल जाते हैं और काफ़ी सारी चीज़ें। और हाँ, अगर आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर पर जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। कोई वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है, मैं आपको पहले बता दूँ यार, जिससे कोई कॉपीराइट इशू ना हो, ये वीडियो कोई भी स्पॉन्सर्ड नहीं है। मेरे को कोई पैसा नहीं मिला इस वीडियो को बनाने का, मैं प्ले स्टोर सर्व कर रहा था तो मेरे को इतनी बढ़िया एप्लीकेशन देखने को मिली, तो मैंने सोचा यार काफ़ी बढ़िया वीडियो है, लोगों को पता चल चाहिए इस एप्लीकेशन के बारे में, क्योंकि इस एप्लीकेशन में डाउनलोड भी काफ़ी कम, तो इतनी अमेजिंग एप्लीकेशन डाउनलोड काफ़ी कम, यार ये तो जमता नहीं है, तो मैंने इस पर वीडियो बना दी। तो चलिए शुरू कर जाते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर, आपको मैं इस एप्लीकेशन को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप फर्स्ट लाइन के अंदर फोर्थ एप्लीकेशन देख सकते हैं, स्मार्ट टूल बॉक्स, जिसके अंदर आपको एक सूटकेस दिख जाता है जिसके अंदर काफ़ी सारे एप्लीकेशन। चलिए हम इस एप्लीकेशन को ऑन कर लेते हैं। आपको इस एप्लीकेशन का फर्स्ट इंटरफेस को इस टाइप से देखने को मिल जाता है। अब देखिए दोस्तों, अब स्टार्ट होती है असली एप्लीकेशन। देखिए इधर आपको फ्लैश लाइट देखने को मिल जाती है, स्पीडोमीटर, वाईफाई स्पीड टेस्टर जो कि आप काफ़ी लोग होते हैं इसको यूज़ लेते हैं, बाकी आपको काफ़ी सारे मोर स्कोर, क्यूआर कोड जनरेटर, मिरर, मतलब यार इसमें फालतू एप्लीकेशन भी है, काम की एप्लीकेशन भी है। कुछ कुछ होते हैं जो अपने मोबाइल में ना फालतू के एप्लीकेशन भर के रखते हैं, तो उन लोगों के लिए भी ये एप्लीकेशन है। देखिए कंपास, इजी नोट, कहीं के लोगों के फ़ोन में कोई नोट लिखने की एप्लीकेशन नहीं होती तो वो इस एप्लीकेशन को यूज़ ले लेते हैं। बाकी एज कैलकुलेटर, यूनिट कन्वर्टर, फ्यूल कॉस्ट कैलकुलेटर, चार तरह के आपको उधर कैलकुलेटर मिल जाते हैं। डेट टाइम के आपको 3 ऐप मिल जाते हैं। उधर वॉइस ट्रांसलेटर के आपको काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशन देखने को मिल जाते हैं। अब दोस्तों, असली एप्लीकेशन तो इधर से स्टार्ट होती है। अगर आप इसको स्क्रॉल कर, अगर आप इसको साइड में करते हैं तो फिर इधर आपको सोशल के ऑप्शन में इतने सारे आपको सोशल नेटवर्क देखने को मिल जाते हैं। आपने नाम भी नहीं सुना होगा, जैसे मीटअप, लाइव जनरल, मीडियम, मीट मी, माई स्पेस, या इतने ज़्यादा एप्लीकेशन तो लोगों ने नाम नहीं सुना होता जितने एप्लीकेशन इधर आपको देखने को मिल जाते हैं। देखिए विक्स साइट, अगर आपको यूट्यूब क्रिएटर है तो आपको पता होगा विक्स एक वेबसाइट क्रिएटिंग की साइट है, जो भी आपको उसके अंदर देखने को मिल जाती है। और यार देखिए ब्लॉगर आपको देखने को उधर मिल जाता है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप तो मस्ट होते हैं, ये आपको देखने को मिल जाते हैं, ट्विटर, स्काइप, हर चीज़ आपको उधर देखने को मिल जाती है। शॉपिंग भी क्लिक करते हैं, शॉपिंग एप्लीकेशन भी आपको काफ़ी देखने को मिल जाती है। आप देख सकते हैं अमेज़ॉन आपको देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी सारे लोग यूज़ करते हैं। अगर आप फ्लिपकार्ट यूज़र हैं तो इधर आपको फ्लिपकार्ट देखने को नहीं मिलता, बाकी स्नैपडील भी है, मिंत्रा, हर चीज़ है, बस एक फ्लिपकार्ट नहीं है। कोई बात नहीं यार, फ्लिपकार्ट से आप स्विच भी कर सकते हो। हाँ, फ्लिपकार्ट ये रहा, आपको थर्ड लाइन में सेकंड नंबर फ्लिपकार्ट देखने को मिल जाता है, लॉगो चेंज है हाँ, बट ये ऐप बिल्कुल सही है, आप कोई इसको अलग ऐप मत समझिएगा। देखिए न्यूज़, कहीं के लोगों को न्यूज़ सुनना काफ़ी पसंद होता है, तो आपको टॉप न्यूज़ ऐप्स भी मिल जाते हैं, जैसे कि फोर्ब्स हो गया, BBC हो गया, CNN हो गया, याहू की न्यूज़ हो गई जो कि काफ़ी बढ़िया होती है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें, न्यूज़ 24, आपको सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है। मैं बात करता हूँ, आप एप्लीकेशन को खोल के दिखा देता हूँ। हम पहले खोल लेते हैं कैलकुलेट कैलेंडर की एप्लीकेशन। देखिए रहा दोस्तों, आपको कैलेंडर देखने को मिल जाता है। और दोस्तों, अगर आप इसे दूसरे एप्लीकेशन में स्विच करना चाहते हैं तो मैं सिंपली बैक दबा देता हूँ, और देखिए हम वापसी आ गए। अब दोस्तों, मैं इधर आपको और एप्लीकेशन चला के दिखा देता हूँ। जैसे सोशल पे अगर मैं जाता हूँ तो मैं इधर ट्विटर ओपन करके देखता हूँ, इधर नेट ऑन नहीं था, ओके। देखिए मैं आपको ट्विटर ऑन करके दिखा देता हूँ,
देखिए दोस्तों, हमारा ट्विटर ऑन हो चुका है, तो मेरे को साइन करना पड़ेगा। हाँ, देखिए दोस्तों, आपको ट्विटर ऑन हो चुका है बिल्कुल। आपको ऑफिशियल एप्लीकेशन से देखने को मिल जाती हैं, काफ़ी बढ़िया एप्लीकेशन। अगर आपको आज की वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हाँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप चाहो तो उस एप्लीकेशन को दोस्तों से डाउनलोड कर सकते हो। क्योंकि फेसबुक पे ना, सॉरी प्ले स्टोर पर ना, काफ़ी ज़्यादा डुप्लीकेट एप्लीकेशन आपको देखने को मिल जाएगी इस टाइप की। तो अगर आप ओरिजिनल चाहते हो तो फिर आप ये वाली एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिएगा, या फिर आप प्ले स्टोर डाउनलोड करना चाहते हो तो आप लोगो देख लीजिए। एक ऐप से स्मार्ट टूल बॉक्स के आप एक बार स्पेलिंग देख लीजिए, कई बार होता है कि स्पेलिंग चेंज करके कहीं के लोग डुप्लीकेट ऐप प्ले स्टोर पर डाल देते हैं। तो आज की वीडियो पे इतना ही। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। व्हाट्सएप पे इसको इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि यार ये ना जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा काम की वीडियो है। काफ़ी सारे लोगों का फ़ोन हैंग होता है, उनको वो फ़ोन को कितनी बार फॉर्मेट कर लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती है उनके फ़ोन में, उनको आखिरी में आके फ़ोन चेंज करना पड़ता है। जबकि वो एक ऐसी एप्लीकेशन डाउनलोड करके अपने फ़ोन के स्टोरेज को बचा सकते हो, और अपने फ़ोन के जो नए फ़ोन का कस्ट होगा उसको भी बचा लेंगे आप। तो अगर आज की वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, इससे आप मेरे यूट्यूब चैनल में जितनी वीडियो अपलोड होगी सबकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। जब तक के लिए स्टे ट्यून्ड रहिएगा टेक्निकल जयसवाल के साथ।